की तरफ देखकर तो ऐसा लग रहा है यार बहुत सारा नुकसान हो चुका है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब जब हमारी खेती किसानी जब तैयार होने वाली होती है तो भगवान भी धोखा दे जाता है। तो आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं बहुत सारा नुकसान हो चुका है। और देखिए बाकी बारिश होने के बाद में मौसम कितना ज़बरदस्त है तो देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपका स्वागत हमारे एक नए व्लॉग में। और देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं खेतों पर घूमने भी जा रहे हैं क्योंकि कल और परसों हमारे यहाँ पे हुई थी बारिश और काफ़ी खेती का नुकसान भी हो चुका है। और फाइनली काफ़ी दिनों के बाद हम रील बनाने के लिए भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे मेन चैनल जो राजेश प्रीति ब्लॉग्स है उस पर काफ़ी दिनों से मतलब रील वगैरह नहीं आ पाई है, तो इसीलिए हम आज रील भी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यार जो बारिश हुई थी उससे काफ़ी खेती के लिए नुकसान हो चुका है। और तो देखिए इधर सारे गेहूँ जो हवा चलने से ना तो बहुत सारे गेहूँ का नुकसान हुआ है और जो छोटे छोटे गेहूँ थे वो तो उनका तो नुकसान नहीं हुआ है, बट जो पकने वाले गेहूँ ना उसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो देखिए आगे गौरव और दीपांशु जा रहे हैं, हम सभी लोग रील बनाने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और खेती की तरफ देखकर तो ऐसा लग रहा है यार बहुत सारा नुकसान हो चुका है। और मैंने अक्सर देखा है कि जब जब हमारी खेती किसानी जब तैयार होने वाली होती है तो पता नहीं क्या हो जाता है, साला भगवान भी धोखा दे जाता है। तो आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं बहुत सारा नुकसान हो चुका है। और ये वाले जो गेहूँ हैं ना वो छोटे छोटे हैं इसीलिए इन गेहूँ में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बट जो पीछे वाला खेत देखा था तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ हो चुका है। और देखिए बाकी बारिश होने के बाद में मौसम कितना ज़बरदस्त है तो देख सकते हैं। देखिए इधर ये अभी हाल ही में देखो ये नहाने के लिए पुलिया बनी है पुलिया, और आप लोग इसे क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ, बट मैं और हमारे यहाँ पे तो लोग इसे पुलिया ही बोलते हैं। चलो चलते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, और ये दूसरा वाला खेत है, देखो यहाँ पे भी कितना सारा नुकसान हो चुका है। और देखो ये जो है ना दीपांशु, ये दीपांशु इसके गेहूँ हैं, और देखो कितनी बुरी तरह से गेहूँ गिर चुके हैं यार, बहुत सारा नुकसान हुआ है इस बारिश से तो पता नहीं क्या। और बहुत ही ज़्यादा यार क्या ही बोले, मतलब देखो वो सामने वाला खेत है ना उसमें तो बहुत पूरा खेत बिछा बिछ चुका है। तो मैं दिखाता हूँ, चलो चलते हैं वहाँ पे फिर दिखाते हैं। उसके बाद मैं भी अपने खेत में देख कर आऊँगा कि देखो यार कितना मौसम तो ज़बरदस्त हो गया है बट यार फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। देखो ए जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो कितने सारे गेहूँ गिर चुके, पूरी खेती का बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है इससे। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। देखो यार कितना सारा नुकसान हो चुका है गेहूं का, देखो बहुत सारा नुकसान हो चुका है पूरा का पूरा खेत आंधी और बारिश की वजह से बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ पे आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने खेतों पर, और यार मेरे भी खेत गिर चुके हैं। देखो वो कितने, पर ये कहीं कहीं मतलब गिर चुके हैं और कहीं कहीं रह गए। देखो इधर भी देखो ये भी गेहूँ गिर चुके हैं, और उधर देखो उधर भी गेहूँ गिर चुके हैं। और देखो इस खेत में तो पूरी लंका लग गई है यार, देखना पूरा खेत बिछ चुका है यार, बहुत सारा नुकसान हो चुका है। क्योंकि इस समय ना ये गेहूँ जो पीली पीली वाली देख रही है आपको, ये गेहूँ पकने वाले थे, अब देखो क्या होगा यार, बहुत सारा नुकसान हो चुका है इस बारिश से। और देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ पे हम रोज़ रील बनाने आते थे, शायद जगह पहचान में आ चुकी होगी आप लोगों को,
और आज हम यहीं पे एक रील एक दो तीन रील बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं। और देखो वो देखो क्या है, देखो वो जा रहा है, देखो देखो भाग गया। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने रील बना लिए हैं, उसके बाद जा रहे हैं हम घर, और घर जाके इस वीडियो को एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद शाम 5 बजे आपको ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल राजेश प्रीति ब्लॉग्स पर देखने को मिल जाएगी। और यार आप लोग सपोर्ट किया करो यार, आपके सपोर्ट की हमें सख्ती ज़रूरत है, बट यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते। और देखिए सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं जाता, तो यार थोड़ा लाइक और सपोर्ट किया करो यार। और ये वीडियो हम हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज राजेश प्रीत सॉरी फास्ट ट्रैक फनी कॉमेडी पे भी आ जाएगी। और बाकी यार थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। देखिए यार ये हमारे गांव का रास्ता है, और देखो ये गौरव है, और ये दीपांशु है, और बाकी हमारी टीम जो है ना, हमारे साथ में जो लड़के रहते थे, आपने पुरानी वीडियो में देखे होंगे बहुत सारे लड़के थे, वो सारे लोग जो है होली के बाद काम करने के लिए चले गए हैं। और यार हम भी कहीं ना कहीं जुगाड़ देख रहे हैं कि हम लोगों को भी निकलना होगा। और देखो बाकी ये देखो बरसीन कैसी है, और इधर देख सकते हैं। और यार गेहूं का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से आगे, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो करना लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।